गाइस GTA 5 एक ऐसा जबरदस्त गेम है जिसे रिलीज के 8 साल बाद भी लाखों लोग इसे खेलना पसंद करते हैं। ये गेम इतना पुराना होने के बावजूद भी ग्राफिक्स और डिटेलिंग जैसे मामलों में आज के जमाने के गेम्स को भी पीछे छोड़ देता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ GTA 5 के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो बिना किसी की गाड़ी चुराए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस अगर आपने कोई भी GTA गेम खेला होगा तो आप लोग को पता होगा कि उसमें कितना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं। और अगर GTA 5 की बात करें तो सिर्फ उसके मेन स्टोरी में ही F वर्ड का 1000 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ है। तो गाइस GTA 5 में एक इन गेम इंटरनेट भी है जो बिल्कुल रियल लाइफ इंटरनेट की तरह दिखता है, लेकिन उसमें एक फर्क है। वो एक ही, जब भी आप किसी लिंक या बटन पे अपना माउस ले जाते हो तो वहाँ पे आपका माउस पॉइंटर हाथ में बदल जाता है, जिसे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि वो इंडेक्स फिंगर की बजाय मिडल फिंगर दिखाता है। अब उंगली कोई भी हो लेकिन उससे लाइक बटन तो दबा ही सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है तो अब भी ट्राई करके देखो। तो गाइस GTA 5 का मैप साइज लगभग 259 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इतना बड़ा है कि इसमें GTA 4, GTA San Andreas और Red Dead Redemption का मैप एक साथ फिट हो जाएंगे। तो गाइस GTA 5 के तीनों कैरेक्टर में से फ्रैंकलिन ही ऐसा है जो टेनिस नहीं खेल सकता। वैसे एक ग्लिच की मदद से वो टेनिस खेलता है, लेकिन वो आपका अपोनेंट होता है। आप फ्रैंकलिन बनके कभी टेनिस नहीं खेल सकते। तो गाइस GTA 5 के फ्रैंकलिन और San Andreas के CJ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। दोनों भी गैंगस्टर है और ग्रू स्ट्रीट्स के रहने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि फ्रैंकलिन और CJ इन दोनों के भी वॉइस एक्टर शॉन फोंटिनो और यंग मेले रियल लाइफ में कजिन्स हैं, और ये दोनों असल में भी ऐसी एरिया में रहते थे जो गैंग मेंबर्स के बेस बने हुए थे। तो गाइस GTA 5 में अलग अलग लोकेशन पे POT नाम का एक छोटा सा पौधा होता है, जिन्हें अगर आप खाते हो तो आप एक जानवर में बदल जाओगे और फिर आप जितनी चाहो उतनी देर तक वो जानवर बन के खेल सकते हो। आप कुत्ते बिल्ली से लेकर बिग फूट तक कोई भी जानवर बन सकते हो, और आप दूसरे जानवरों पे और लोगों पे भी हमला कर सकते हो। ये आप GTA ऑनलाइन में भी कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि आपको वॉन्टेड लेवल फिर भी आएगा और गैंग मेंबर्स और दूसरे प्लेयर्स भी आपको मार सकते हैं। तो गाइस GTA 5 में आपको गाड़ी चलाते वक्त सुनने के लिए 22 रेडियो स्टेशन है, जिनमें 500 से भी ज्यादा लाइसेंस लगाने हैं। तो गाइस GTA 5 GTA सीरीज का एक ऐसा गेम है जिसमें आपको फीमेल पुलिस ऑफिसर्स देखने को मिलते हैं। बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत रेयरली दिखते हैं। तो गाइस GTA 5 में जब भी पुलिस वाले ट्रेवर के पीछे पड़ जाते हैं तब वो कई बार उसका नाम भी लेते हैं। इससे पता चलता है कि ट्रेवर का पुलिस के साथ इतनी बार पंगा हो चुका है कि वो उसे पहचानने लगे हैं। तो गाइस GTA 5 में जब भी आप किसी जानवर का शिकार करते हो और फिर उसकी फोटो पुलिस वालों को यानी कि 911 पे सेंड करते हो तो आपको वहां पे रिप्लाई करके कहते हैं डूड सीरियसली। तो गाइस यही थे वो GTA 5 के फैक्ट्स। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलता आप सभी लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।